थैंक यू सिस्टर तन्विका। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक योर चाइल्ड ईट, बच्चे को खाना कैसे खिलाएं। हम सभी मदर्स के लिए ये नेशनल इशू का टॉपिक है, मतलब हम सारी माओं को लगता है कि हमारा बच्चा तो खाना ही नहीं खाता। तो खाना नहीं खाता है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उनमें से एक ही हो सकता है क्योंकि हम थोड़ी देर पे कुछ ना कुछ देते रहते हैं अपने बच्चे को, इस वजह से जब वो खाने की टेबल पे गया तो उसे भूख ही नहीं रह जाती खाने की, इस वजह से उतना इंटरेस्ट के साथ में उतने अच्छे से नहीं खाना खा पाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमने उसको दूध दिया है, वॉट एवर इट इज़, ब्रेस्ट मिल्क, फॉर्मूला मिल्क या वाटर मिल्क, जो भी दिया है, उसके बाद एटलीस्ट एक घंटे का गैप होना चाहिए खाने के बीच में। और अगर हमने स्नैक ऑफर किया है तो कम से कम 1.5 घंटे या 2 घंटे का, मतलब इतना गैप हो कि उस बच्चे को जब तक वो खाने के लिए आए तो उसको भूख लगी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है टीथिंग, मतलब जब बच्चे के दांत निकलना शुरू होते हैं तो बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनका खाने का मन नहीं करता है, उतने अच्छे से नहीं खा पाते हैं। तो अगर आपका बच्चा बिल्कुल मना करे खाने के लिए तो उस समय थोड़ी सूदिंग चीज़ें उसे ऑफर करके देखिए, जैसे कर्ड है, चीज़ या बनाना, जो बच्चा आसानी से खा जाए खा ले। तो ये करके हमें देखना चाहिए। इसके अलावा कई बार हम जितना बोल में लेके आए हम कोशिश करते हैं कि वो पूरा खिला दे अपने बच्चे को, मतलब बच्चे के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, बार बार फोर्स करेंगे वन बाइट तो, और उसके लिए उसे ब्राइब भी करेंगे। तो ऐसा हमें करना बंद करना चाहिए, बच्चे को खुद डिसाइड करने दीजिए कि एक बार में वो कितना खाएगा। और उसके बाद अगर आपको लग रहा है प्रॉपर जितना वो खाता है उतना नहीं खा रहा है तो थोड़ी देर बाद फिर से ऑफर करके देखिए, अगर उस चीज़ से बोर हो जाता है तो उसमें कुछ और मिक्स करके इंटरेस्टिंग बना के उसे दे के देखिए, तो तब भी बच्चा अच्छे से खा लेगा। और इसके अलावा कई बच्चे जो होते हैं स्पिट कर देते हैं, वॉमिट कर देते हैं, स्पेशली जब हम फूड इंट्रोड्यूस करना हमने शुरू किया है, 6 मंथ या 5 मंथ जो भी आपने किया हो, शुरुआत के स्टेज में ऐसा होता है कि बच्चा बहुत जल्दी वॉमिट कर देगा। तो ऐसे में क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अभी भी डेवलपिंग फेज में है, उतनी अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, तो बच्चा एक बार में बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा नहीं खा पाता है। तो थोड़ा थोड़ा उसे ऑफर करें, थोड़ी थोड़ी देर पर ऑफर करें, तो ये करके देखिए, हो सकता है आपका बच्चा अच्छे से खा ले। इसके अलावा कई बच्चों में, लगभग 4-6% बच्चों में कुछ पर्टिकुलर फूड को लेके एलर्जी होती है, तो वो फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। और अगर ऐसा कुछ है कि वो खा ले रहा है, वॉमिट हो जा रही है, लग रहा है कि पेट में दर्द हो रहा है, तो ऐसे में डॉक्टर से कंसल्ट करें, हो सकता है कोई फूड एलर्जी हो। इसके अलावा कुछ बच्चे जो होते हैं वो पिकी ईटर होते हैं, मतलब कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही खाएंगे, उसके बाद अगर आप कोई नई चीज़ें उन्हें ऑफर कर रहे हैं तो वो बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे, नहीं खाएंगे। तो बच्चे कभी कभी खाने के शेप टेक्सचर को लेके भी बहुत पिकी होते हैं, तो ऐसे में आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने आप, जैसे कि आपका बच्चा फॉर एग्जांपल दाल खाता है और सब्जियां नहीं खाता, तो सब्जियां दाल में मिक्स कर दीजिए, या दाल नहीं खाता है तो सब्जियों में मिक्स करके दे दीजिए, आप भी वैसे ही खा के देखिए, ऐसा नहीं कि बच्चे के लिए अलग से बनाइए। एक्सपेरिमेंट करना और नई चीज़ें खाना आपके लिए भी सही है, तो वो आप करके ट्राई करके देख लीजिए। और इसके अलावा कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत जल्दी एक खाने से बोर हो जाते हैं, लाइक मेरी डॉटर जो अभी है 14 मंथ की है और उसका 3 डेज रूल चलता है खाने में, मतलब कोई नया चीज़ मैं उसको खिलाऊंगी तो वो पहले दिन अगर उसे अच्छा लगा तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ में खाएगी, दूसरे दिन उतना एक्साइटमेंट नहीं दिखाएगी, तीसरे दिन बिल्कुल मना कर देगी खाने के लिए। तो मैं ऐसा करती हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे उसको बनाना देना है, मैं चाहती हूँ उसे रोज़ बनाना दूँ, 2 दिन मैंने दिया, उसने इजीली खा लिया, तीसरे दिन मैंने उसका मिल्क शेक बना के दे दिया और उसके नेक्स्ट डे उसकी पुडिंग बना के दे दी, या किसी और चीज़ में मैंने मिक्स कर दिया बनाना। तो ऐसा करके देख लेती हूँ, मेरी बेटी दाल बहुत अच्छे से नहीं खाती है तो 2 दिन उसे दाल खिला दी, फिर कभी बीच में उसको दाल पराठे में मैंने मिक्स करके दे दी, क्योंकि दाल बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि रोज़ देना चाहिए, तो ऐसे मैं कर लेती हूँ, या दाल भिगो के उसका चीला बना लिया पीस के, इस तरह से कर लेती हूँ। इसके अलावा कुछ बच्चे, मतलब 9 मंथ के बाद बच्चे थोड़ा इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपने हिसाब से खाना चाहते हैं ज़्यादातर बच्चे, तो और मतलब खा क्या पाते हैं, वो खाते कम है, फ्लोर पे ज़्यादा गिराते हैं, बहुत मैसी ईटर होते हैं, तो ऐसे में आपको पत्थर का दिल रखना चाहिए, मतलब वो देखना बहुत मुश्किल हो जाता है कि बच्चे
कपड़े पे लगा रहा है, बच्चा ज़मीन पे फैला रहा है, पूरी फर्श लाल पीली कर दी, लेकिन ये देखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये भी उनके डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है। तो हमें कम से कम उन्हें दिन में एक बार ऐसा ज़रूर करने देना चाहिए, मतलब आप थोड़ा सा बाउल में ज़रा सा खाना रख दीजिए, स्पून दीजिए, बच्चा खाने में बिजी रहेगा, आप उसको खिलाने के लिए दूसरा बोल लेके आइए, और थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी रहेगा, खाने में ही उसका ध्यान रहेगा, तो आप थोड़ा थोड़ा उसको खिलाते रहिए। ऐसे में मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मेरी बेटी इस तरह से आसानी से खा लेती है। और कई बार बच्चे सिर्फ अटेंशन के लिए ही ऐसा करते हैं, मतलब अगर कुछ टेंट्रम दिखा रहे हैं खाने के लिए, आप प्लीज़ प्लीज़ कर रहे हैं बेटा एक बाइट, और उसे ब्राइब करेंगे, तो बच्चे को पता है कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रही है। तो ऐसे में आप अगर बहुत ज़्यादा टेंट्रम दिखा रहा है तो रुक जाइए, थोड़ी देर बाद फिर से ऑफर करिए, लेकिन ज़बरदस्ती मत करिए सिर्फ। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आपके कुछ सजेशन हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।